और दोस्त क्या हाल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कौशल के एक और एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड हर एक अपशब आप लोगों के पास पहुंच सके सबसे पहले। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि रेसलमेनिया में शायद हमें एक बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और जॉन सीना के फास्टलाइन के ओपोनेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, रॉ के एपिसोड में मिस का मुकाबला सेथ रॉलेंस के साथ था, जहां सेथ रॉलेंस ने मिस को हराया, लेकिन कर्ट एंगल ने उसके तुरंत बाद ही फिन बैलर के साथ मिस का मैच स्टार्ट कर दिया, जहां मिस्टर अस वर्सेस द क्लब के बीच कुछ फाइट के सीन भी देखने को मिले। हालांकि फिन बैलर ने मिस को पिन करके जीत हासिल की। मिस और फिन बैलर के बीच एलिमिनेशन चैम्बर से पहले ही कुछ फ्यूड चल रहा था, और लगभग ये भी अपडेट्स आ रहा था कि मिस वर्सेस फिन बैलर का मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन शायद सेथ रॉलेंस भी उस मैच में ऐड हो सकते हैं, और सेथ रॉलेंस ने बैकस्टेज में ये भी कहा कि वे जानते हैं कि कैसे रेसलमेनिया में जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सेथ रॉलेंस को भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चाहिए, और शायद नेक्स्ट रो के एपिसोड में हमें मिस वर्सेस बैलर वर्सेस रॉलेंस का सेगमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, क्वेश्चन है कि सेथ रॉलेंस ट्रिपल थ्रेट मैच पे क्यों ऐड हो सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये भी अपडेट्स आया था कि सेथ रॉलेंस का ओपोनेंट कार्ट एंगल होंगे रेसलमेनिया में, लेकिन रो में रोंडा राउजी और कार्ट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन का सेगमेंट देखकर लगता है कि कार्ट एंगल हो सकते हैं रोंडा राउजी की टैग टीम पार्टनर एट रेसलमेनिया 34। सो गाइस, फिलहाल तो सेथ रॉलेंस के लिए कोई सूटेबल ओपोनेंट भी नहीं रहा, और इसके लिए शायद सेथ रॉलेंस को भी ऐड किया जा सकता है रेसलमेनिया में होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच पे, और हमें देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलेंस वर्सेस मिज वर्सेस बैलर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 34। अब बात करते हैं जॉन सीना के रेसलमेनिया के ओपोनेंट के बारे में। तो गाइस, जॉन सीना ने रॉ में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जॉन सीना और अंडरटेकर का मैच नहीं होगा, क्योंकि ऐसा WWE की तरफ से जॉन सीना को कहा गया कि यह पॉसिबल नहीं है कि रेसलमेनिया में जॉन सीना का मैच अंडरटेकर से हो सके। और इसके बाद जॉन सीना ने कहा कि वे कल होने वाले स्मैकडाउन के बीच में जाएंगे, जहां उनको शायद रेसलमेनिया का ओपोनेंट भी शायद मिल जाए। लेकिन गाइस, केसर सीट्स का कहना है कि जॉन सीना सिंस के नाकामोरा को चैलेंज कर सकते हैं फास्टलाइन में, जहां एक स्टेपुलेशन भी ऐड हो सकता है कि अगर सिंस के नाकामोरा हार जाए तो उनकी जगह रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप के मैच में जॉन सीना को ऐड किया जाएगा। सो गाइस, अगर ये मैच होता है तो लगता नहीं कि जॉन सीना ये मैच जीत जाएंगे। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अंडरटेकर उस मैच में इंटरफेयर करेंगे या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। खैर, आज के अपडेट्स में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और अगर हमारा चैनल WWE गपशप को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि WWE से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुंच सके सबसे पहले।